देश में भी कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस तीसरी स्टेज में जाता है तो प्रदेश के सामने नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसे में तीसरी स्टेज में कोरोना से बचना बहुत मुश्किल होता है। कोरोना की तीसरी स्टेज में जाने से बचने के लिए सावधानियां रखने की जरूरत है। मिशन क्या है और उसे किस तरीके से बचा जा सकता है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा घातक चरण है और इटली और चाइना कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज तक पहुँचे हैं, जिसकी वजह से वहाँ का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें व्यक्ति प्रभावित होता है उन व्यक्तियों से जिनका ना ही कोई इतिहास होता है उन देशों में जाने का जो कि कोविड-19 से प्रभावित हैं, और ना ही वो उन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जिन्हें संक्रमण हुआ है। तो अगर कम्युनिटी एक्सपर्ट्स की माने तो अभी तक भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर नहीं आया है, लेकिन अगर भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर आ जाता है तो क्या क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़, हमें सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखनी चाहिए, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, कोई भी बीमार व्यक्ति अगर आता है तो उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। एक सबसे और महत्वपूर्ण बात होती है, हमारे घर में जो दो प्रमुख एज ग्रुप होते हैं जिसमें हमारे बुजुर्ग और बच्चे जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, हमें उनके बीच में ज़्यादा मिलने जुलने नहीं देना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले व्यक्ति बुजुर्ग होते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरीके से संक्रमण हो जाता है तो ये गौरतलब है कि उनसे ये संक्रमण बच्चों को भी फैल सकता है, तो हमें इस तरीके से उनको बचाना चाहिए। और हमें दूसरी चीज़, अपने हाथ धोने चाहिए साबुन और पानी से, और अगर साबुन और पानी हमारे पास नहीं हो तो सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, अगर हम इन बातों को इस्तेमाल करेंगे तो कोविड-19 से बचा